हर मित्रों साथियों, आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज भगवान महादेव की कृपा से हमारे मध्य प्रदेश के ही गोपालगंज गोपालपुर जो कि बुधनी विधानसभा में आता है, वहाँ से कुछ हमारे अतिथिगण आए हैं और वो आए हैं तो उन्होंने कुछ नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन किए तो उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके घर के लिए पूजा के लिए देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने नर्मदेश्वर शिवलिंग निकाले हैं। जी हाँ, देख लीजिए। और बहुत ही भैया, और अब आगे की जानकारी उनके मुंह से स्वयं सुन लीजिए। गिरधारी भैया, आपने जो है रचना की है, परमात्मा तो सबकी रचना करता है, परंतु आपने जो शिवलिंग की रचना की है, देख के हमारे मित्रों का, हमारे शिष्यों का मतलब मंत्रमुग्ध हो गया है। तो मैं मेरे यजमानों के लिए भी शिवलिंग ले जा रहा हूँ आपसे, जो वो चांदी में मढ़वाएंगे, शिवलिंग भगवान भोलेनाथ को ले जा रहा हूँ साक्षात नर्मदेश्वर को। और मित्रों ने ये लिया है, बढ़िया सुंदर आपका निर्माण, बहुत ही अच्छा है। परमात्मा आपको नर्मदा मैया और वृद्धि करे और हम फिर पुनः आपसे मिलने आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो भैया बढ़िया सुंदर दिव्य, और आज तक हम अभी देख ही रहे थे कि शिवलिंग कहाँ कैसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन आज पता चला है कि आपने इसमें बहुत गिरधारी जी वर्मा के यहाँ की है कि आपने इसमें कैसे कितनी मेहनत होती है जब जाके ये शिवलिंग बनता है, ये आज हमको वास्तविक देखने को मिला। और आप उसके एक डायरेक्टर ही समझो, निर्माण कर रहे हैं मान के चलो, कितनी मेहनत करते हो, कहाँ से कैसे निकालते हो पत्थर, और बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी भैया। बोला बहुत दिनों से ये जो नर्मदा जी के शिवलिंग है उनकी तलाश में हूँ, भैया से संपर्क हुआ, अभी 3 दिन पहले मुझे पता पड़ा, ग्राम बकावा, तहसील बड़वा, जिला खरगोन में ये शिवलिंग मिलते हैं। और ये ओरिजिनल जो नर्मदा जी से निकलते हैं शिवलिंग, वो है जिनको फिनिशिंग करके पूरा व्यवस्थित किया जाता है। ये गिरधारी भैया वर्मा हैं जो ग्राम बकावा से है और इन्हीं के पास हमने ये शिवलिंग खरीदे हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हर।